विराट कोहली ने संजय मांजरेकर को दिया अपनी शानदार पारी का श्रेय। नमस्कार, कप्तान विराट कोहली की शानदार बल्लेबाजी के दम पर भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को मोहाली में खेले गए दूसरे T20 मैच में 7 विकेट के अंतर से हरा दिया और इस मैच को जीतने के साथ ही भारतीय टीम ने सीरीज में भी 1-0 की बढ़त बना ली है। सीरीज का तीसरा व अंतिम T20 मैच रविवार 22 सितंबर को खेला जाएगा। भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली इस मैच में 52 गेंदों पर 72 रन की शानदार मैच जिताऊ पारी खेली है। उन्होंने अपनी इस पारी के दौरान 4 चौके और 3 शानदार छक्के लगाए हैं। उनकी इस शानदार पारी के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया। मैन ऑफ द मैच लेते हुए अपनी पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में संजय मांजरेकर से बात करते हुए विराट कोहली ने कहा कि संजय अपने मुझे मेरे T20 करियर की सर्वश्रेष्ठ पारी याद दिलाई थी और मुझे इससे थोड़ी प्रेरणा मिली। जब कोई भी इस तरह खेलता है अपनी टीम के लिए मुझे मैच जिताता है तो ये हमेशा एक अच्छा एहसास होता है। उस दिन 2016 में मैंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी इस तरह की पारी खेली थी। विराट कोहली ने आगे अपने गेंदबाजों को जीत का श्रेय देते हुए कहा, पिच बल्लेबाजों के लिए अच्छी बात थी, इसलिए गेंदबाजों ने जो 10 ओवर के बाद मैच में हमारी वापसी कराई वह शानदार था। जब युवा खिलाड़ी कठिन परिस्थितियों में चरित्र दिखाते हैं तब उनके लिए कहा जा सकता है कि वह भविष्य में और बेहतर होने वाले हैं। विराट कोहली ने आगे अपनी बात को बढ़ाते हुए कहा, हमें इस मैच से बहुत से सकारात्मक पहलू मिले हैं, हम सही दिशा में जा रहे हैं। मेरी शॉट में जो भारत के लिए खेलने का बैज है ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। सही प्रारूप में टीम को जिताने के लिए मुझसे जो भी होगा मैं वह सब करना चाहूंगा। मैं कभी अपने व्यक्तिगत रिकॉर्ड्स के बारे में नहीं सोचता, मेरा सोच हमेशा टीम की जरूरत के बारे में होती है। टेस्ट क्रिकेट हो या वनडे क्रिकेट, आपके अंदर देश के लिए मैच जीतने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए।